हेलो फ्रेंड, ट्यूलिप टिप्स फॉरी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यूफोर्बिया मिली की, जो कि एक सुकुलेंट प्लांट है। फ्रेंड्स, बेहद ही आकर्षक और खूबसूरत प्लांट, और इसकी जो ये फ्लावर्स हैं वो भी देखिए बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये देखिए आप, और इसकी जो पत्तियां हैं ये ओवल शेप की और बड़ी है। इसमें काफ़ी सारी वेराइटी जाती है, ये हाइब्रिड वेराइटी। इसमें एक छोटी वेराइटी भी आती है मिनिएचर, जिसमें फ्लावर्स भी छोटे होते हैं और पत्तियां भी बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये प्लांट है और इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपका मूड खराब होना स्वाभाविक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने यूफोर्बिया मिली से खूब सारे फ्लावर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको 4-5 टिप्स दूंगी, आप उसको आराम से देखिए और फॉलो कीजिए, ताकि आप अपने यूफोर्बिया मिली को फिर से जीवन दान दे सकें, उस पर काफ़ी नए नए फ्लावर्स ला सकें। तो फ्रेंड्स, पहला टिप्स ये है कि अगर आपने यूफोर्बिया मिली को शेडी प्लेस में रख रखा है या सेमी शेड में रख रखा है, तो आप उसको प्लीज़ 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 सनलाइट में भेजिए। सनलाइट में उसको रखिए, फिर आपका यूफोर्बिया मिली देखिए बिल्कुल फ्लावरिंग करेगा। अगर उसको हो सकता है शेड में रखने से उसके फ्लावर्स नहीं आ रहे हो, तो आपको विशेष बात बता दूं कि ये डेजर्ट का प्लांट है फ्रेंड, इसको डेजर्ट का एरिया पसंद है, तो उसको डेजर्ट में धूप ज़्यादा होती है जैसे कि आपको पता है। तो इसको अच्छी सनलाइट में रखिए, और ये देखिए काफ़ी बंचेज में ही देखिए फ्लावर्स, जैसे कि मैंने इसको फुल सनलाइट दे रखी है और 12 महीने तक इसमें फ्लावर्स रहते हैं। तो पहला टिप्स यही था फ्रेंड्स। दूसरा टिप्स ये है फ्रेंड्स, को बहुत 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 कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप इसमें रूटीन और प्लांट्स की जैसे पानी दे रहे हैं, जैसे अपना एक वो रूटीन होता है कि हम गए और सब प्लांट्स में पानी दिया, वैसे ही इसमें भी दे दिया, तो आप इस बात को अवॉइड कर दीजिए। आप इसमें 4-5 दिन से पानी दीजिए, वो भी चेक करके नीचे से, कि इसकी सॉइल जो है नीचे से बिल्कुल सूखी है होनी चाहिए। अगर सूखी हुई सॉइल नहीं है, जिस तरीके से ये है मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल सूखी सॉइल होनी चाहिए। थोड़ा सा ये कंजस्टेड हो रहा है, अच्छे से दिखाती हूँ मैं आपको इसमें, ये देखिए इतनी सूखी हुई सॉइल होने के बावजूद भी प्लांट बिल्कुल अच्छा और उसमें फ्लावर्स बहुत सारे। तो आपको ध्यान रखना है, इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, तो आप गर्मियों में इसको 2-3 दिन से पानी दें, जबकि सर्दियों में आप चेक करके 6-7 दिन से भी अगर पानी देते हैं तो एक बार चेक कर लें कि प्लांट की मिट्टी ज़्यादा गीली तो नहीं है, क्योंकि गीली होने से इसमें रूट रॉट हो जाता है और बहुत जल्दी पौधा मरने लग जाता है और फ्लावरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होती है। शेडी प्लेस में भी फ्लावरिंग नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि शेडी प्लेस में क्या है कि इसमें पत्तियां तो खूब सारी आ जाएगी लेकिन फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये 2 टिप्स आपको ध्यान रखने हैं। तीसरा टिप ये ध्यान रखना है कि इसमें जो भी पुराने फ्लावर्स हैं वो आप हटा दीजिए, जब नए फ्लावर्स निकल रहे हो तो पुराने फ्लावर्स को बिल्कुल हटा दीजिए, ताकि क्या कि जो नए नए फ्लावर्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग होगी। अगर पुराने फ्लावर्स आपने नहीं हटाए हैं और नए फ्लावर्स भी साथ साथ उग रहे हैं, तो वो ख़राब भी लगते हैं और प्लस पौधे में नई जान भी नहीं रहती है। जब तक उनको नहीं हटाएंगे तब तक वो नए शूट्स को जो एनर्जी मिलती है वो खुद लेते रहेंगे। तो आप पुराने फ्लावर्स जितने भी हैं उनको हटाइए, जब आपकी नई उसमें फ्लावरिंग हो रही हो थोड़ी थोड़ी तब। और इसमें जो किसी ज़्यादातर में क्या, ये फोलियज बहुत आ जाते हैं, पत्तियाँ ज़्यादा आती हैं, तो पत्तियाँ ज़्यादा आती तो फ्लावर्स बहुत। अब देखिए इस प्लांट में देखिए आप कितने सारे फ्लावर्स हैं जो पत्तियों में छुपे हुए हैं। देखिए आप, अगर आप इन पत्तियों को थोड़ी थोड़ी हटा दें तो फ्लावर्स ज़्यादा दिखेंगे, अपना प्लांट ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दूसरा रीज़न ये है कि इसमें अगर पत्तियाँ हैं नीचे की, वो थोड़ी थोड़ी आप हटा दीजिएगा, या फिर अगर आप हटाना नहीं चाहते तो पत्तियों को आधी आधी, नीचे वाले पत्तियों को आधी आधी कट कर दीजिए, ताकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो पत्तियां ले रही है वो ना ले और जो एनर्जी है वो फूलों के लिए बचे और नई नई उसमें बर्ड्स निकले फूलों के लिए। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और ज़्यादा बारिश से आपको अपने प्लांट्स को बचाना है, अपना दिमाग में ये सेट रहती है बात कि हाँ बारिश का पानी प्लांट्स के लिए अच्छा रहता है, लेकिन वो सबके लिए नहीं। अगर इसको ज़्यादा पानी मिलेगा तो ये प्लांट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी या इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा बारिश से इस प्लांट को बचाना है। और फ्रेंड्स, ड्रेनेज सिस्टम जो है इसका बिल्कुल पावरफुल रखना है। पोटिंग जो मिक्स है आप इसमें फर्टिलाइजर ना दें वो चलेगा, लेकिन और फर्टिलाइजर करेंगे वो भी उसमें नुकसानदेह है, प्लस इसका जो पोटिंग सॉइल है उसमें अगर आपने गड़बड़ कर दी तो बिल्कुल आपका प्लांट मरेगा। आप इस प्लांट को लगाइए, लो मेंटेनेंस प्लांट है ये, लगा के भूल जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप इसमें ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा फर्टिलाइजर कर डालेंगे या फिर इसकी ज़्यादा पानी डाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो पौधा फिर उसमें जान नहीं रहती। ये जो
इसका ये जो स्टेम है ये खोखला होने लग जाता है, और ये जो ये इसके जो थॉर्न्स हैं ये भी क्या है सॉफ्ट होने लग जाते हैं। तो आप इसमें फर्टिलाइजर मत दीजिए, पानी कम दीजिए। फर्टिलाइजर की जब जरूरत होती है, जब बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, अपना प्लांट बिल्कुल ऐसे डल पड़ रहा है, पत्तियां ही पत्तियां, एक भी फ्लावर नहीं है, तब मैं आपको फर्टिलाइजर की सलाह दूंगी। वो भी इसमें आप बोन मील दीजिए थोड़ा सा, या फिर आप इसमें मस्टर्ड केक का जो लिक्विड फर्टिलाइजर आता है वो दे सकते हैं। बोन मील जो होता है स्लो फर्टिलाइजर होता है, 1-1.5 चम्मच वो दे सकते हैं। और DAP जो होता है 10-12 दाने DAP के, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं महीने में एक बार। और NPK 1/2 स्पून वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है तो बनाना पे लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं वो डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से अपने प्लांट की केयर करनी है तो आपका जो यूफोर्बिया मिली है वो काफ़ी सारे प्लांट फ्लावर्स देगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।